हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। आज के इस फॉर्मूले में हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इफ फॉर्मूले का एक ऐसा रिप्लेसमेंट सिखाने वाला हूं जो आपका दुनिया भर का टाइम बचाएगा। इस फॉर्मूला का नाम है स्विच फॉर्मूला। और जब भी आपको ऐसा एक कंडीशन वाला फॉर्मूला बनाना हो जिसमें दो से तीन से ज्यादा कंडीशंस आपने यूज करनी है, तो आप इफ फॉर्मूले के बदले इस फॉर्मूले को यूज कीजिए जो कि है स्विच फॉर्मूला। बहुत आसानी से आपकी सारी कंडीशंस को, लॉजिकल कंडीशंस को, ये एक फॉर्मूले में इजीली डाल सकता है। मैंने एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे तीन एग्जांपल्स बनाए हैं जहाँ पे कि सात वैल्यूज़ यहाँ पे टैकल कर रहे हैं, यहाँ पे चार वैल्यूज़ टैकल कर रहे हैं और यहाँ पे 20 से ज़्यादा वैल्यूज़ हम लोग टैकल करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे नंबर्स ले लिए एक से लेके सात तक और उन हर नंबर को मैंने एक नाम दे दिया। एक यानी मंडे है, दो ट्यूसडे है, वैसे ही पांच फ्राइडे और सात संडे। अब अगर मैं इसको इफ फॉर्मूले से बनाता कि भाई एक आए तो मंडे लिख देना, दो आए तो ट्यूसडे लिख देना, तो वो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनता है जिसमें कि आपको बहुत सोच के फॉर्मूला बनाना पड़ता है। लेकिन स्विच में अगर आप ये करना चाहें तो बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैंने यहां पे कर रखा है, सिंपल। आपने स्विच को बताना है कि भाई कौन से सेल को देख के क्या कंडीशन दे। देखिएगा मैंने यहां पे क्या करा है, पांच लिखा तो फ्राइडे आ रहा है, चार लिख दूंगा तो थर्सडे आएगा, एक लिखूंगा तो मंडे आ जाएगा, सात लिखूंगा तो संडे आ जाएगा और मेरा फेवरेट डे है छ। ये सब जानते हैं कि बॉयज के फेवरेट डेज ये क्यों होते हैं, शाम होती है 8 बजते हैं और बहुत अच्छा होता है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनता है देखिएगा। इज इक्वल टू स्विच, ये कह रहा है एक्सप्रेशन, यानी कि कौन सी चीज को चेक करना है कि भाई ठीक है यहां पे अगर 6 लिखा हुआ हो कि भाई स्विच फॉर्मूला, यहां पे देखना कि भाई ये 6 को आपने यहां पे ढूंढना है। इसमें से अगर उसको आपको 6 मिल जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो मंडे लिखा है या ट्यूसडे लिखा है या जो भी लिखा है वो लेके आइएगा, ठीक है। ये कंडीशन दे दी। अब दूसरी कंडीशन कि भाई वापस देखो, इस वाले सेल में भी देखो और वो अगर उसमें मिल गया तो उसके सामने जो लिखा है वो ले आइएगा। ऐसे करके मैं सारी कंडीशंस देखी सिर्फ क्लिक क्लिक करके कि क्या कंडीशन चेक करो और उसके अगेंस्ट क्या आंसर लेके आओ। बिल्कुल सिंपल, सिर्फ कंडीशंस के पॉसिबल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं और उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं, मैं उनको सेलेक्ट करे जा रहा हूं क्लिक क्लिक करके। और इसको क्लोज कर दीजिए। ये देखिए 6 पे सैटरडे आ गया, 1 पे मंडे आ गया, 3 पे वेडनेसडे। बहुत सिंपल, कैसे करा, इज इक्वल टू स्विच। भाई कौन से नंबर, कहां एक्सप्रेशन में क्या देखना है, यहां पे देखो। ये एक्सप्रेशन अगर 3 है तो इस एक्सप्रेशन के ऑप्शंस कहां लिखे हैं, उन ऑप्शंस को और रिजल्ट्स को चुनते चलो। तो पहला ऑप्शन ये है 1, ये अगर ऑप्शन मिला तो मंडे लेके आना, कॉमा अगला ऑप्शन ये है, फिर ये। ऐसे करके मैं सारे ऑप्शंस चुन रहा हूं। तो है ना आसान। ऐसे ही अब मैं इसको कैलकुलेशंस में भी यूज कर सकता हूं। मैंने यहां पे ऑप्शन लिया कि नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन लिख दी और लिख दिया कि भाई नॉर्थ रीजन की सेल्स जितनी भी होंगी उसके ऊपर 1% बोनस है, साउथ पे 2%, ईस्ट पे 3% और वेस्ट पे 4% बोनस। अब यहां पे मैंने उसको लोगों के नाम के साथ मैच करा है कि अगर नॉर्थ रीजन है तो उसकी बोनस परसेंटेज यहां पे लेके आओ। लोगों के नाम लिख दिए हमने, यहां पे 20 नाम है, उनकी रेंजेस कौन कौन सी रीजन्स है वो हमने यहां डाल दी। हमने बोला कि भाई सबकी बेसिक सेल्स जो हुई है वो 1 लाख की हुई है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और स्विच फॉर्मूला से मैंने देखिए, अगर यहां पे डबल क्लिक करूंगा तो स्विच फॉर्मूला से मैं सबकी रेंजेस यहां पे ले आया कि भाई नॉर्थ रीजन का लिखा हो तो 1% देना, साउथ लिखा हो तो 3 देना, ईस्ट हो तो 4, 3 और वेस्ट हो तो 4। ये सब यहां पे आ गया। उसके बेस पे देखिए हमने सिंपल यहां पे कैलकुलेशन भी कर दिया, देख रहे हैं। तो ये कैलकुलेशंस में भी आपके काम में आता। अब ये वाला जो मैंने करा है ना स्विच, ये नॉर्मल जैसा ये वाला स्विच यहां पे बनाया था मैंने वैसा ही है। एक वन शॉट स्विच मैंने बनाया है। ये फॉर्मूला देखिएगा आप यहां पे,
एक वन शॉट स्विच बनाया हमने कि आप डायरेक्टली इसको फॉर्मूले में भी ले सकते हैं। कैसे लेते हैं वो भी अभी सिखाता हूं। तो सबसे पहले ये वाला एरिया हम वापस एक बार कवर कर लेते हैं। ये देखिए कैसे इज इक्वल टू स्विच एक्सप्रेशन क्या है कि यहां पे अगर नॉर्थ हो तो आप यहां पे जाना, नॉर्थ को मिले तो 1% ले आना, साउथ मिले तो 2%, ईस्ट मिले तो 3% और वेस्ट मिले तो 4%। ये फॉर्मूला लिखना है क्योंकि मैंने इसको कॉपी करके नीचे तक ले जाना है। तो जैसे ही मैंने नॉर्थ पे ये वाला H4 सेलेक्ट करा है ना, मैं इसको F4 दबा के लॉक कर रहा हूं, कॉमा नॉर्थ मिले तो 1% लाना, ये भी F4 दबा के लॉक कर रहा हूं, कॉमा अब साउथ मिले तो 2% लेके आना। सेम यही प्रोसेस मेरा जो मैंने फॉलो करा था, F4 दबा के लॉक कर रहा हूं, सारे ऑप्शंस मेरे मैं चुन रहा हूं यहां पे। अब और ब्रैकेट एंड क्लोज कर, और ये मेरा फॉर्मूला मैंने बना दिया और ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूं नीचे तक, देखिए ऑटोमेटिकली जहां पे साउथ है वहां 2 आ रहा है, जहां ईस्ट है वहां 3 आ रहा है, और जहां वेस्ट है वहां 4 आ रहा है। आगे का तो सिंपल हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है कि भाई टोटल कैसे करोगे आप। सिंपल है कि भाई फॉर्मूले में ये वाला सेल प्लस इस सेल का 1%। कैसे बनाया मैंने, ये देखिए इज इक्वल टू ये वाला सेल प्लस ब्रैकेट ओपन इस सेल का इंटू 1% इंटू ये वाला सेल। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए पूरा नीचे ऐसे। अब ये मेरे हिसाब से ये लंबा तरीका है, मैंने एक वन शॉट फॉर्मूला भी बनाया है, एक लिमिटेड हिस्सा बनाया, आगे का आपने बनाना है। कैसे बनाया है देखिए, मैंने इसको कैलकुलेशन के लिए यहीं पे बोल दिया कि भाई आप मेरे लिए क्या कैलकुलेशन करके दो कि आपको स्विच फॉर्मूला, आप देखो अगर यहां पे नॉर्थ है तो कैलकुलेशन इसी फॉर्मूले के अंदर करके दे दो। ये देखिए तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा आइए देखते हैं। सिंपल इज इक्वल टू स्विच, हम कहेंगे कि क्या एक्सप्रेशन क्या है, नॉर्थ अगर नॉर्थ मिले तो क्या करना, आप यहां पे जाना, नॉर्थ को देखना, कॉमा और रिजल्ट के टाइम पे जब रिजल्ट लाना हो तब आप बेसिक लेना और उसमें प्लस करना बेसिक इंटू जो भी नॉर्थ की परसेंटेज आ रही है, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज और ये देखिए। तो इस तरह से देखिए ये आंसर निकल गया। इसी में ही कैसे अब आप साउथ ईस्ट वेस्ट डालेंगे ये आपने करना है, करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका फॉर्मूला कैसे बना। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।